हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्स एनडी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 18 अक्टूबर 2022। बिफोर आई बिगेन, जैसा कि मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, पहला चीज। एंड शाम को हमारे वेबसाइट से बीपीडीआर डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। तो शुरू करते हैं सबसे पहला न्यूज से, वो है पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022, राइट? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ये इनॉग्रेट किया है गुजरात में। लॉन्चेस प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसी के अंडर में लॉन्चेस भारत यूरिया बैग। तो आई होप ये भारत यूरिया बैग का जो कहानी है ये आपको याद है। आज से ठीक एक देर मैंने पहले करंट अफेयर आया था जहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि देश में जितने भी ये बिकते हैं, मतलब फर्टिलाइजर, ठीक है, जितने भी फर्टिलाइजर बिकते हैं उनका जो ब्रांडिंग है वो अब भारत के नाम से होगा। मतलब चाहे कोई प्राइवेट कंपनी बना रहा हो या पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट, उसको इम्पोर्ट करके एज ए सब्सिडी उसको देश में कहीं पे दे रही है किसान को, तो वो सब होगा अंडर द ब्रांड ऑफ भारत, राइट? ये इनिशिएटिव इसीलिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर के यू नो अम्ब्रेला में होगा। सो दिस इज ए वेरी बिग स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफाइड, ठीक है, सबको मतलब ब्रिंग अंडर वन अम्ब्रेला। क्यों? वन ऑफ द रीजन बीइंग, देखो किसान को ना इतना समझ में नहीं आता, राइट? हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी में प्राइवेट अच्छा बनाते होंगे या कोई गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट कर रही है बाहर से वो अच्छा होगा, बट मोर और लेस पोटेशियम तो पोटेशियम ही है। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को ट्रिक किया जाता है, मतलब प्राइवेट कंपनीज एंड उनको रूरल साइड में ना, दे गेट ट्रिक एंड वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये इनिशिएटिव से, ये ट्रैप से उनको बचा सकता, मींस दे विल नॉट हैव ए फाइनेंशियल लॉस। पहला उनको ये भी बेनिफिट मिल सकता है अच्छे फर्टिलाइजर का। देन पीएम रिलीजेस पीएम किसान फंड वर्थ ₹16,000 करोड़, तो ये आपको याद रख लेना है। पीएम किसान क्या है, जो क्वार्टरली ₹2,000 करके मिलता है, ये वो स्कीम है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है डिविडेंड। तो देखो आपको स्ट्रीट पूछ सकता है कि 16,000 करोड़ डिविडेंड कौन सी कंपनी दिया, तो ये आपको याद रखना है, एडसिल इंडिया लिमिटेड। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी वन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने ₹16 करोड़ का डिविडेंड पे किया गवर्नमेंट को 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, राइट? तो ये आपको एकदम से याद रख लेना है बिकॉज ये पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ₹17.20 करोड़ टू नागालैंड। तो ये है क्या, तो ये है ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने 17.20 करोड़ दिया एज ए सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस सेंट्रल शेयर ऑफ दिस स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्ड फंड। ये SDRF में ये पैसा गया हुआ है एंड दिस इज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेंट्रल शेयर, ठीक है। ये कौन से स्टेट को गया है, नागालैंड को गया है। तो अब सवाल ऐसा भी आता है ना, क्या ये सिर्फ नागालैंड को मिलता है? तो बैकग्राउंड में आप देख लो, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिलीज्ड एन अमाउंट ऑफ 8,764 करोड़ एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेंट्रल शेयर ऑफ SDRF टू 24 स्टेट्स इंक्लूडिंग नागालैंड। तो देखो ऐसा नहीं है ये सिर्फ नागालैंड को मिलता है, ये और भी दूसरे राज्यों को मिलता है। जब जब वो न्यूज आएगा तब तब हम कवर करेंगे, बीपीडीआर में कवर्ड रहेगा, तो आप हमको फॉलो करना कभी ना भूलना। बट एट राइट नाउ ये क्या है, नागालैंड का है, मतलब अभी सामने जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये 17.20 करोड़ कौन से स्टेट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से गया हुआ है एज ए पार्ट ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। सो आपका आंसर क्या होगा, नागालैंड, या आपको अमाउंट भी पूछ सकता है। सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, वो है इंडियंस रिमिटेड $2.6 बिलियन। तो ये है क्या, तो देखो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या जिसको शॉर्ट में LRS बोलते हैं, ये 2004 में लॉन्च हुआ था। इसके एक बार बैकग्राउंड को समझते हैं, 2004 में ये $25,000 के लिमिट से चालू हुआ था। आज के दिन में इसका लिमिट है 2.5 लाख, ठीक है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक का रिमिट कर सकते हैं। तो इसमें डेटा क्या आया है, इसका डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है एंड LRS का डेटा ये है कि देयर इज अ 34.57%
जंप मंथ ऑन मंथ इन अगस्त टू 2.67 बिलियन। ठीक है, तो आउटवर्ड रेमिटेंस कितना है? 2.67 बिलियन, द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन अक्टूबर बुलेटिन। तो ये मंथ ऑन मंथ डेटा है, तो ये हर मंथ आपको ये डेटा आरबीआई के बुलेटिन से मिलता है। ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस इट वॉज ऑलमोस्ट 36% एज इंडियन इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल अमॉन्ग द अदर। ठीक है, हाईलाइट की बात करें, अकॉर्डिंग टू डेटा इंडियंस रेमिटेड 467.52 मिलियन ऑफ ओवरसीज एजुकेशन और 330.7 इन द मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव एंड 221.31 मिलियन इन गिफ्ट। तो ये टॉप 3 हो गया। अगर हम आउटवर्ड फ्लो की बात करें तो 19.61 बिलियन ऑल टाइम हाई एडेड बाई ओवरसीज एजुकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेवल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो सबसे आगे एजुकेशन है, पिछले मंथ भी एजुकेशन ही था एंड मोर और लेस ये साल भर एजुकेशन ही रहता है क्योंकि इंडिया से बहुत लोग पढ़ने जाते हैं बाहर। अब बढ़ते हैं हमारे आगे वाले न्यूज पे, वो है एमपीआई डेटा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये डेटा देता कौन है? सबसे पहले वो आप जान लो, देता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएट ओपीएचआई एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये लोग मिलके ये डेटा को कंपाइल करते हैं एंड बनाते हैं। तो इनके हिसाब से पॉवर्टी इन इंडिया फेल बाय 415 मिलियन इन 15 ईयर्स। तो 15 साल में इंडिया में 415 मिलियन लोग पॉवर्टी से कहाँ आए? पॉवर्टी से बाहर आए। ठीक है, अगर हम स्टेट स्पेसिफिक की बात करें तो बिहार कंटिन्यूस टू बी द पुअर स्टेट इन द कंट्री। बिहार सबसे गरीब राज्य है। अदर्स अमॉन्ग द टॉप 10 पुअर स्टेट जो है वो बिहार का नेबर है झारखंड, उसके बाद है मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फिर सेंट्रल स्टेट, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न स्टेट, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न स्टेट, ये हो गया आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये सारा हो गया आपका पूरे स्टेट। वेस्ट बंगाल वाज दी ओनली स्टेट अमंग दी टॉप 10 पुअर इन 1516 एंड नॉट इन 1921। मतलब वेस्ट बंगाल जो है वो आप बोल सकती हो वो अपने आप को टॉप 10 से ऊपर आ गया है। कुछ रीजन भी है, वेस्ट बंगाल के पास एक मेट्रो सिटी है तो ऑब्वियसली एक मेट्रो सिटी का इकोनॉमी बहुत बड़ा होता है। एक सिटी का इकोनॉमी ऑलमोस्ट एक छोटे राज्य के बराबर होता है। सो इन दैट सेंस वेस्ट बंगाल बाहर ला पाया है, बाकी तो सब राज्य काम कर रहे हैं। अगर अगर हम और भी डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स ऐसा है, द इंडेक्स हैज स्टेटेड दैट इंडिया स्टिल हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर एट 228.9 मिलियन। तो पूरे दुनिया में इंडिया के पास पुअर लोग सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय नाइजीरिया, उसके बाद नाइजीरिया है 96.7 मिलियन इन 2020। द रिपोर्ट फाइंड दैट 111 कंट्री, मतलब 111 कंट्री को रिपोर्ट ने रैंक किया है, विच वेर एसेस ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट कंपेरेबल डेटा 1.2 बिलियन पीपल और 19.1% लिव इन एक्यूट पॉवर्टी एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस पीपल 593 आर चिल्ड्रन अमंग द इयर्स ऑफ 18। तो ये जो है आपका नॉट रिलेटेड टू इंडिया, दिस इज रिलेटेड टू द एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पे 19.1% लोग एक्यूट पॉवर्टी में है और जिसमें से 593 मतलब अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन लोग जो है वो चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 18 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे न्यूज पे, वो है जूडो नेशनल लीग। तो ये जो जूडो नेशनल लीग है ये देश में पहली बार हो रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला जाएगा ये अक्टूबर 20 से 23 के बीच में। ठीक है, ये एक नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट फॉर वुमेन जूडोकास ऑफ 4 जोन, 4 जोन में इसको खेला जाएगा। गवर्नमेंट इसमें 1.74 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। तो आई होप ये आपको याद रख लेना है डेट कहाँ पे, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं हम, एक डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव को समझते हैं। वो क्या है? जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन्होंने मितुभुशी हेवी इंडस्ट्रीज एंड एमपीआई लिमिटेड, इनके साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाइड्रोजन को फायरिंग। ठीक है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एनटीपीसी ने साइमेंस के साथ किया था, लेकिन वो भी हाइड्रोजन रिलेटेड था। तो यहां पे ये हाइड्रोजन को फायरिंग इन ऑलिया गैस पावर प्लांट। ठीक है,
अभी हाइड्रोजन को फायरिंग का मतलब क्या है? इन गैस टरबाइन प्ले की रोल इन रिड्यूसिंग CO2 एमिशन। सिंपल सा बात है, मैं उस दिन के करंट अफेयर में भी समझाया था, मैं आज भी समझाता हूँ। एक जो थर्मल थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, मतलब देखो ये जो कोयला आप देखते हो ट्रेन से जाता है ना, सबसे पहले ये कोयला को धोया जाता है पानी में। यस, पानी में। पानी में धोने के बाद इसको एक चैम्बर में हाई प्रेशर में जलाया जाता है, और ये कोयला जब जलता है मतलब उससे जो फायर बनता है, उस फायर से पानी को गर्म किया जाता है, वाटर बॉइलिंग। मतलब आपको ऐसा लगता होगा ना ये कोयला से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनता है, नहीं, ये कोयला से सिर्फ पानी गर्म करने का काम होता है, और ये बहुत बड़े चैम्बर में पानी गर्म होता है, और बहुत ही पतले पाइप से वेपर को पास करवाया जाता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो ये जो लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर वेपर बहुत स्पीड से ये पाइप से ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करने के बाद दिस दिस हिट्स है टरबाइन। जो टरबाइन है वो एक डायनेमो के साथ कनेक्टेड है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो बेसिकली इस टरबाइन को घुमा कौन रहा है? ये कोयला नहीं घुमा रहा, ये वेपर्स घुमा रहा है। लेकिन ये वेपर्स पैदा कौन करता है? द फायर और द एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द कोल। तो इस कोल को अगर हम रिप्लेस कर दें, सिंपल सी अब सिंपल मैं एक लेमैन टर्म्स में समझाया, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं हुआ, और एकदम से ही मैंने मतलब बेसिक्स को नहीं छोड़ा, राइट? तो समझो जो थर्मल पावर प्लांट है, कार्बन कहाँ से निकल रहा है? कार्बन यहाँ से निकल रहा है। बाकी प्रोसेस को सेम रख के अगर इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस किया जाए तो हो सकता है थर्मल पावर प्लांट से ही हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, बट विदाउट एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, दैट इज वॉट NTPC इज ट्राइंग टू डू। यहाँ पे इस वाले प्रोसेस पे दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग विद द हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को फायरिंग इन गैस टर्बाइन, राइट? तो अब इतने डिटेल में हम नहीं घुसेंगे कि हाइड्रोजन से वो कैसे करेगा, बिकॉज वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट ये स्टोरी जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये करंट अफेयर याद रखना आपके लिए इजी होगा। सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, वो है 50th CGI। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले जो हमारे 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस UU ललित, तो उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था। सो वो रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक्सेंट लेना बहुत जरूरी है। नाउ यस्टरडे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हर एक्सेंट, राइट? उन्होंने अप्रूव कर दिया है। सो ऑन द नवंबर 9th जस्टिस DY चंद्रचूड़ विड बी टेकिंग ओथ एंड एज्यूमिंग द ऑफिस एज द 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट? सो ही विल हैव ए 2-year tenure। मतलब जो जस्टिस UU ललित है ये सिर्फ 74 days का टर्म ही सर्व कर पाए हैं एंड ही इज गेटिंग रिटायर्ड, बट जस्टिस DY चंद्रचूड़ विल हैव ए वेरी लॉन्ग टाइम। उनको 2 साल नवंबर 10, 2024 तक सर्व करने का मौका मिलेगा। सो विद दिस वी आर डन फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, लेट्स बी 50% फास्टर एंड लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन।